हेलो गाइस, किवें सारे हो सारे कैंट होंगे ते वेलकम आ थोड़े अपने यूट्यूब चैनल देवराज ब्लॉग्स ते। ते बाकी अज आपां नाल लगे जी यामे वाला सिलेंसर स्पलेंडर ते। ते बाकी अंदर चल के मैं तुहानूं समान समून दिखा दिंदा है ना। ते बाकी आ स्पलेंडर मैं उहदे ला लिया सी हुण जिवें कि तुसीं देख सकदे हो। ते बाकी मैं दरवाजा ला लिया। ते बाकी हुण मैं तुहानूं एक बार समान दिखाना की आ। ते बाकी यामे वाला सिलेंसर दा मैं तुहानूं समान दसदा। एक यामे वाला सिलेंसर हो गया है ना। तो बाकी वैल्डिंग तो पहले ही हुई पई है है ना। तो बाकी एक आह हो गया जी रेंचे जो 17 नंबर जो आह चीज़ खोलनी है ना यदि, क्योंकि कई जो कई ने सिलेंसर ए वैल्ड किया हों जी आह चीज़ आह तो इतें ही लगनी है ना। कई ने इतें ही मतलब पत्ती ला के इतें लाया हों नट है ना, जिम्मे ओरिजिनल का लगता। पर जिम्मे यामे वाला जो उदा लाना वा फिर इतें ही लगता। तो वो लिए मैं आह नैट मैं कर लिया रेंच ने ढिला है ना 17 या 18 नंबर का होगा थोड़े वाले स्पलेंडर च। तो बाकी चको आह ढिला हो चुके। तो बाकी हूँ मैं ओरिजिनल एक बार यदि सिलेंसर खोल ला। तो बाकी आ नट इतें ही ला दें। एक बार ओरिजिनल सिलेंसर खोल ला फिर आ फिट करूँगा फिर थोड़ा दिखाना। कि पहले तो आप सिलेंसर का पिछला नट कढ़ लें है ना। मैं ढिला कर लिया चाबी 13 नंबर की चाबी ने कर लिया। तो बाकी थोड़े स्पलेंडर की पता होर कोई मतलब होर कोई चाबी हो एक बार देख लियो। वह मेरे वाले 13 नंबर का नट लगा रहे है ना सिलेंसर में जो पिछों फटदा। तो बाकी आ नट कढ़ लें। एक हाथ ने काम करना भी एक तो औखा होंगे है ना। तो बाकी आ नट निकल गया। तो बाकी आह नट आ गई जी हाथ च। तो बाकी आ नट इतने रख देने है ना क्योंकि ये वापस इतने ला देंगे। तो बाकी हम मेन खोलना जी हैड वाले जोड़े नट होंगे वो खोलन जी चा 10 नंबर की चाबी ना। तो 10 नंबर की चाबी आ देखो जी आ रही। तो बाकी इधरला पास मैं तोड़ता सी 12 वाला टायट सी नट है ना। तो बाकी आह वाली भी खोल लें। आह नट खब्बे खोल लेने है ना इदा खोले लैफ्ट मतलब ला के थले थले भी अभी खोलना उत्ते वाला भी। तो बाकी आ दोनों नट मैं खोलना सिलेंसर उतार के फिर थोड़ा मिलना। ठीक है जिमें कि तुम आ देख सकते हो हैड के मैं दोनों नट खोल के सिलेंसर अलग कर लिया है ना अपना। तो बाकी हम सिलेंसर कड़ लें बस इदा ही बार आ जाने इन्हें देखो चक के आप ट्रेस्ट उत्ते चक लेना है आह ब्रेक आनू थले दब लेना है ना। तो बाकी मैं क्ड ला एक हाथ से फोन फड़िया दोनों हाथों फट के क्ड के फिर थोन दिखाना। अच्छा कोई ओरिजिनल सिलेंसर आ गया जी बहर है ना। ओरिजिनल इतने साइड से रख दें। बाकी ओरिजिनल भी जरूरी सिलेंसर ओरिजिनल भी संभाल के रखना चाहिए। तो बाकी अच्छा कोई ओरिजिनल रखता। तो बाकी आ निकल गया। तो एक बार इदा आवाज़ सुना देना ज़्यादा रिश्ता नहीं दवा हैड गर्म हो जाएगा क्योंकि जो आ भी लाना ना फिर सही नहीं लगता देखी हो जी आवाज़ ओए। गंदी आवाज करता है। तो बाकी आ यामे वाला हूँ कसीए। तो यामे वाला भी मैं थोड़ा दस दिना आह नट जिमें खोल लिया हुआ यदा। तो बाकी बस आ यामे वाला चला के आ नट टाइट करके बल आ गया फिर है ना। तो बाकी यामे वाला भी फिट करके फिर थोन दिखाना। तो बाकी कहते इदा दुकान है ना सिलेंडर ही पर मैं हजे नट नहीं फिर नट भी दस दिना। बस आह देखो आ इतने लग गया। तो बाकी आह इतने लग गया। तो बाकी थोड़ी सिलेंसर की कंडीशन खराब है। तो बाकी सिलेंसर मैंने वैसे मिल नहीं रहा मैं मुंडे तो लिता है ना। तो बाकी यदि आप भी स्परे स्प्रू मार देंगे। तो बाकी मैं एक मतलब ता ला के थोड़ा दिखाना से ता लिता। तो जो मेरा सिलेंसर से वो किसी होर मुंडे ने दिता उन्हें लाया हुआ से अजे। तो बाकी मैं दूसरे मुंडे तो मंग लिया। तो बाकी हूँ आ फिट करना है ना दो नट आ ला दी है। तो आ नट फिर थोड़ा यदि साउंड सुनाना जी तुम सुनना जा रहे हो बड़े टाइम की। तो ये साउंड सुनाना तो पटाके पटूके वाला सिस्टम भी कमेंट करके दसो कि BS6 है ना जरा। देखो BS6 मॉडल है मेरा पर मैं हजे स्टिकर दूजे लाए हुए जिम्मे थोड़ा पता क्योंकि मैं आ चैलेंज कर रहा कि सारे फॉलोअर्स से सबसक्राइबरस का नाम लिखना है ना। तो सबसक्राइब जरूर कर लो है ना। इधरले पासे यूट्यूब वाले सबसक्राइबरस का नाम आना है स्टिकर के उत्ते भी लिखा है ना। तो लैफ्ट साइड पर आ देखो जी इंस्टाग्राम से जो फॉलो करते उन्होंने आ चुक है। तो बाकी जो सब तो ज़्यादा कमेंट करे उन्होंने इतने आएंगे जिम्मे आ देखो ये मेरे दो है देवराज जी 070 के देवराज ब्लॉग्स। तो बाकी इतने जे सब तो ज़्यादा कमेंट करे उन्होंने मेन पर नाम आएंगे है ना। तो बाकी फ्रंट वाइजर से हजे थोड़ी बहुत ही थान पई है इधरले पासे मतलब हजे थान तो पूरे स्पलेंडर से काफ़ी पई है देखो गड्डी थान आ। तो देखो जी काफ़ी थान आ हजे इतने भी। तो बाकी तुम सबसक्राइब करके कमेंट करना तो थोड़ा ना भी इतने स्पलेंडर से साढ़े तो आ जाऊगा है ना। तो बाकी हूँ आई सही कर लिए फिर थोड़ी आवाज़ सुना। तो बाकी फिर आवाज़ सुना देने सारा फिट हो गया सिलेंसर नट भी करता वो भी दस आवाज है। तो सू लुक भी दिखा देना देखो जी इदा की लुक आ रही है तो रेयर लुक आ रही है चेक कर लो। तो बाकी एक बार मैं बाहर कट के भी आवाज़ सुना दूंगा अंदर ज़्यादा गूंजती है
ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਇਹ ਖੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਲੰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਸਿਆ ਉੱਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਟ ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟਾਪੇ ਟੂਪੇ ਲਾ ਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਸਲੰਸਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਜੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਕਿ BS6 ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ BS6 ਸਪਲੈਂਡਰ ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਲੈਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਂ ਖੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਣੇ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਯਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸਲੰਸਰ ਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਆਊਂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੰਜਨ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਦੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਲਵ ਯੂ ਆਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।